अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज वजाहत मुनव्वर। वेलकम बैक टू लेट्स लर्न जेनेटिक्स। ये एपिसोड 2 है और काफ़ी डिले हो चुका है, बट बेटर लेट देन नेवर। इंशाल्लाह ताला इस एपिसोड में मैं आपको यूविंग म्यूटेशन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और इसके इनहेरिटेंस बोर्ड्स के बारे में बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि यूविंग म्यूटेशन को किन म्यूटेशंस के साथ लगा के कौन कौन से कम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, और आपको यूविंग म्यूटेशन के जो उसकी निशानियाँ हैं वो भी बताऊँगा। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मैं अपना नंबर नीचे दे रहा हूँ। जो लोग मेरी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होना चाहते हैं तो वो मेरे व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम भेजें तो मैं उनको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लूँगा। वक्तन फवक्तन कुछ इन्फॉर्मेटिव जो मटेरियल है आर्टिकल्स की फॉर्म में या कुछ और, मैं व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में सेंड करता रहता हूँ, तो उससे जो है वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ग्रीन, ब्लू और ब्लू वन, ब्लू टू कलर के बारे में उनके डिफरेंसेस बताए थे, उनका इनहेरिटेंस मोड यानी कि उनका जो ब्रीडिंग का बिहेवियर है वो बताया था, तो इसी तरह सबसे पहले मैं आपको तीन बर्ड्स दिखाऊंगा, ग्रीन, ब्लू और पार ब्लू यानी ब्लू वन ब्लू टू यूविंग, के वो किस तरह से होते हैं और उनकी जो इंडिकेशंस हैं, निशानियाँ हैं, वो क्या क्या हैं। जी सबसे पहले ये ग्रीन यूविंग एक बर्ड है मेरे पास, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब ये ग्रीन यूविंग बर्ड जो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, फिशरी बर्ड जो है उसकी हेड पे मास्किंग होती है, तो ये भी फिशरी बर्ड है और इसके अंदर यूविंग म्यूटेशन है। तो फिशरी बर्ड यूविंग में मतलब इस तरह आप देखें इसको, तो इसकी बैक जो है यहाँ पे ये यूविंग पैच आ रहा है, इसको यूविंग का पैच बोलते हैं। तो इसको यहाँ पे आप देखें तो इसका मेहंदी सा रंग हो जाता है, बकाया बॉडी का कलर जो है वो ग्रीनिश ही है। तो उसके बाद यूविंग की सबसे बड़ी पहचान इसकी ये जो चेस्ट है, ये चेस्ट जो है ये येलोइश कलर में आ जाती है, बल्कि और बाकी जो दूसरा नॉर्मल बर्ड होता है उसका जो ये बॉडी का रंग है वो ही यहाँ पे चेस्ट के ऊपर होता है। यूविंग में इसकी बैक के ऊपर पैच आ जाता है और इसका चेस्ट जो है वो क्लियर हो जाती है, तो ये यूविंग ग्रीन की पहचान है। इसके साथ साथ आगे चलने से पहले मैं आपको यूविंग का इनहेरिटेंस मोड बता दूं। यूविंग का इनहेरिटेंस मोड जो है वो डोमिनेंट इनकम्प्लीट है। अब डोमिनेंट इनकम्प्लीट म्यूटेशन का आसान अल्फाज में अगर बताऊं तो ब्रीडिंग के दौरान बिहेवियर ये होता है कि आपका एक बर्ड जो है वो यूविंग होना चाहिए पेयरिंग में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो बच्चों में आगे जाकर फिर किसी भी बच्चों में मेल हो या फीमेल किसी में भी यूविंग आ जाता है, तो ये डोमिनेंट इनकम्प्लीट म्यूटेशन है। अच्छा, डोमिनेंट इनकम्प्लीट म्यूटेशन में सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर भी होते हैं। अब सिंगल फैक्टर बर्ड जो है उससे क्या होता है कि आपका एक बर्ड सिंगल फैक्टर यूविंग है, दूसरा नॉर्मल है बर्ड यानी वो यूविंग नहीं है, तो कुछ बच्चे यूविंग आएंगे। डबल फैक्टर यूविंग क्या करता है कि आपका एक बर्ड अगर डबल फैक्टर यूविंग है तो उसके साथ नॉर्मल बर्ड लगाएंगे तो सारे के सारे बच्चे यूविंग आएंगे। लेकिन डबल फैक्टर यूविंग का एक नुकसान ये होता है कि उसके फेदर्स जो हैं वो रफ होते हैं और वो बर्ड सही तरह फ्लाई नहीं कर पाता, तो इसलिए लोग नॉर्मली यूविंग टू यूविंग की पेयरिंग नहीं करते। उसके बाद अगर आपने डबल फैक्टर यूविंग प्रोड्यूस करना भी करना ही है तो आपकी उसकी पेयरिंग होगी कि आपने दोनों मेल फीमेल पेयर में आपने यूविंग टू यूविंग का पेयर बनाना है, उसमें से सारे नहीं कुछ बच्चे यूविंग आएंगे और कुछ बच्चे उसमें से डबल फैक्टर यूविंग आ जाएंगे। डबल फैक्टर यूविंग की पहचान यह है कि उसके फेदर्स जो है जैसे मैंने बताया कि वो जमे जमे से होते हैं और वो सही से बर्ड फ्लाई नहीं कर पाता। अब मेरे पास यहाँ पे एक ब्लू यूविंग बर्ड है, ये ब्लू यूविंग बर्ड आप देखें कि ये भी फिशरी ही बर्ड है और इसके ऊपर हेड पे भी मास्किंग है। अब यू ब्लू यूविंग में अगर आप देखें तो बड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है, मेल बर्ड हैं तो अब जो यूविंग में सबसे बड़ी मेल फीमेल की पहचान भी कई दफ़ा होती है कि इसका जो मेल का पैच होता है ये छोटा होता है और फीमेल का बड़ा होता है, इसका पैच सिर्फ इतना सा है। ये देखें, अगर ये फीमेल होती तो इसका पैच यहाँ तक आ जाता पूरा। मैं अभी आपको मेल फीमेल का डिफरेंस भी इसमें दिखा देता हूँ। तो ये यूविंग का इसका पैच देखें, ये यहाँ पे आ रहा है बॉडी कलर से, यहाँ से डिफरेंस है। उसके बाद जो इसकी चेस्ट है वो पूरी वाइट हो गई है, थोड़े थोड़े स्पॉट्स होंगे इसके बॉडी कलर के लेकिन ये ऑलमोस्ट वाइट है। तो ये ब्लू यूविंग की इसकी पहचान है बर्ड की, तो ये भी फिशरी फैमिली के अंदर ब्लू यूविंग बर्ड है। अब यहाँ पे मेरे पास ये है तो वॉयलेट, लेकिन ब्लू वॉयलेट है, तो इसकी भी ये भी यूविंग बर्ड है, इसकी भी देखें ये चेस्ट बिल्कुल वाइट है, ये फीमेल है। अब इसका पैच मेल की बनिस्बत बड़ा है, ठीक है, मेल का सिर्फ इतना सा, इसका देखें ये पूरी बैक पे फैला हुआ है और अक्सर फीमेल्स का इनसे भी बड़ा पैच होता है, वो यहाँ तक आया होता है। तो ये फीमेल और फीमेल यूविंग में हल्की सी एक पहचान है बर्ड की, तो ये भी वॉयलेट यूविंग है, ये ब्लू वॉयलेट यूविंग है। अब यहाँ पर मेरे पास जो है ये बर्ड
पार्बलू यूविंग यानी ब्लू वन ब्लू टू यूविंग बर्ड है, ये भी देखें फिशरी में है। मास्किंग इसकी देखें, फेस इसका क्लियर है, चेस्ट इसकी देखें आप, क्योंकि ब्लू वन ब्लू टू बर्ड जो है वो येलोइश उसका फेस होता है, मतलब अंडरनीथ ये येलोइश बर्ड है, तो इसकी चेस्ट अगर आप देखें तो ये येलो हो गई है। इसकी बैक पे वही ग्रेइश येलो हो गया है बर्ड, यहाँ पे ये देखें इसका पैच जो है वो ग्रेइश येलो है, तो इसमें ये ब्लू वन ब्लू टू यूविंग की पहचान है। बाकी बॉडी कलर आप इसका देखें, ये वॉयलेट वैसे ब्लू वन ब्लू टू यूविंग बर्ड है, तो चाहे कलर वॉयलेट हो या ना हो यूविंग की पहचान यही है। अच्छा, तो इसके साथ साथ आपको बता दूं कि यूविंग म्यूटेशन का अब तक, यूविंग म्यूटेशन काफ़ी पुरानी है, तो अब तक के काफ़ी कम्बिनेशन बनाए जा चुके हैं यूविंग म्यूटेशन में। तो अब तक का यूविंग म्यूटेशन में सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो कम्बिनेशन बना है वो अपलाइन म्यूटेशन के साथ बना है। तो मैं अब आपको ग्रीन ब्लू और पार ब्लू यानी ब्लू वन ब्लू टू अपलाइन यूविंग पकड़ के आपको दिखाता हूँ बर्ड के वो किस कदर खूबसूरत जो है वो कम्बिनेशन बने हैं उनके साथ। अब यहाँ पे मेरे पास जो है ये ग्रीन यूविंग अपलाइन बर्ड है और इसकी अगर आप बैक देखें तो ये येलो हो चुकी है और जी इसकी जो चेस्ट है ये भी बिल्कुल येलो हो चुकी है। इसकी वजह अपलाइन बर्ड में यहाँ पे अगर इसका करैक्टरिस्टिक है कि अगर आप नॉर्मल अपलाइन बर्ड देखें तो उसकी बैक वैसे ही थोड़ा बहुत कलर कम होता है यहाँ पे, इसको मेंटल एरिया बोलते हैं अपलाइन का। तो अब जब यूविंग का इफेक्ट इसके अंदर जाता है यानी यूविंग म्यूटेशन जाती है इसके अंदर तो इसकी बैक को ये येलो कर देता है, ठीक है। तो जैसे ब्लू में अभी आपको दिखाऊंगा तो उसको वाइट कर देगा, तो ये इसके अपलाइन यूविंग, मेरा पसंदीदा बर्ड जो है ग्रीन यूविंग अपलाइन बर्ड है, तो ये इसके कुछ निशानियाँ हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास ये ब्लू वायलेट यूविंग अपलाइन बर्ड है। अब इसका अगर आप देखें तो ये देखें बैक इसकी वाइट हो गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला एरिया जो है ऑफलाइन म्यूटेशन में वैसे ही थोड़ा लाइट कलर में होता है, तो यूविंग म्यूटेशन जो है वो कलर कम करती है बॉडी का। तो इसमें ये देखें इसका जो बैक है ये वाइट हो गई है और इसकी जो चेस्ट है ये भी वाइट हो चुकी है, तो ये ब्लू वायलेट यूविंग ऑफलाइन बर्ड है। अब यहाँ पे मेरे पास पार ब्लू, ब्लू वन ब्लू टू पार ब्लू यानी ब्लू वन ब्लू टू यूविंग अपलाइन का एक बच्चा है, तो इसको भी अगर आप देखें, इसको मैं अगर आपको पकड़ के दिखाऊं, इसकी चेस्ट देखें बिल्कुल फेड अवे हो चुका है कलर सारा, ठीक है, ज़रा येलोइश सा होगी इसकी चेस्ट जो है, येलोइश हो गई है बिल्कुल प्लेन। और इसकी जो बैक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूविंग है वो कलर थोड़ा फेड अवे करता है बॉडी का, तो इसका यहाँ पे ये येलोइश सा पैच आ चुका है। तो दिस इज़ ब्लू वन ब्लू टू यूविंग अपलाइन बर्ड। तो उम्मीद है आपको ये यूविंग म्यूटेशन का एपिसोड अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ताला आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर आता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।